नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम धामी ने दिया है पुलिस जवानों को तोहफा। सीएम के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित। समय से पदोन्नति देने के लिए 1750 नए पद सृजित। एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करने के भी आदेश। नया रैंक पर 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में एडिशनल एसआई का भी पद नहीं है। नया रैंक एडिशनल एसआई का होगा तो 4200 ग्रेड पे पुलिस विभाग में एडिशनल एसआई का नहीं था पद। पूरा विश्वास है कि इससे जवानों को पदोन्नति के ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये सीएम धामी ने बात कही है। यूकेएसएससी पेपर लीक से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमि जांच की आज। 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। तो पूर्व सचिव संतोष बडौनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश है। तो 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ अब विजिलेंस जांच करेगी। तो यूकेएसएससी पेपर लीक से जुड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घूमी है जांच की आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में आई अतिवृष्टि के बाद हेली से भी हवाई सर्वे का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ धारचूला विधायक और कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने हेली से भी भारी बारिश में हुए नुकसान के बाद हालात का जायजा लिया। जहरीली शराब कांड मामला। जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण की मौत। शराब पीने से बीमार 2 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 8 लोगों की शराब पीने से हो चुकी है मौत। तो जहरीली शराब कांड के एक और ग्रामीण की मौत हो गई है। तो अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब पीने से बीमार 2 अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो वही 8 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जहरीली शराब कांड का ये पूरा मामला, जहां लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, तो वहीं एक और ग्रामीण की इस दौरान मौत हो गई। तो अब तक 2 बीमार अभी अस्पताल में भर्ती हैं और 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। प्रदेश सरकार की ओर से 17 सितंबर से 24 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को वृहद रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यक्रम को वृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिलाधिकारी से समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मैत्री दिवस के मौके पर जैन समाज के लोगों ने क्षमावाणी महापर्व आयोजित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विबुद्ध सागर भी महाराज सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई अपराध जरूर करता है, लेकिन उस अपराध की क्षमा नहीं मांगता है। सिर्फ जैन समाज के लोग अपने किए गए अपराध और सार्वजनिक कार्यक्रम कर क्षमा याचना करते हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व में जैन समाज काफी तरक्की कर रहा है। भारत में 40 लाख जैन समाज के लोग 27% अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। जैन समाज के द्वारा जिस प्रकार से क्षमा वाणी प्रोग्राम हरिद्वार में अभी संपन्न हुआ, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर एक जैन समाज एक ऐसा है जो इस प्रकार के कार्यक्रम करता है। हर व्यक्ति से किसी न किसी मुकाम पे कोई गलती त्रुटि होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन के भाव कभी क्षमा याचना के नहीं होते कि हम पुण्य भी करते हैं पाप भी करते हैं। लेकिन यदि हमारा भाव करुणा की दृष्टि से यदि हम क्षमा याचना का काम करें, यानी क्षमा करें भी और क्षमा पाएँ भी, तो विश्व में ऐसा कोई कार्यक्रम कोई करता है तो जैन समाज करता है। आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार जैन समाज आगे बढ़ा है और 40 लाख की जनसंख्या देश में होने के बावजूद 27% का जिनका आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान हो, जैन समाज के द्वारा जिस प्रकार देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार के चलते विधायक खजान दास बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मीडिया के रूबरू होते वक्त खजान दास ने बताया कि अधिकारियों और सरकार को अवगत करवाने के बावजूद स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ रही है। इन अधूरे छूटे कार्यों के चलते जनता को, स्थानीय निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब विधायक के पास अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य है, जो कार्यदायी संस्था है, हम समय समय पर उनको अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अवगत कराया गया है। किंतु अधिकारी और जो कार्यदायी संस्था के जो मालिक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में जूं रहेंगे। इसलिए मुझे कहना पड़ा और जनता के हित के लिए और अपने विधान, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर काम हुआ कहाँ पर नहीं। तो इस बात को लेकर के मैंने ज़रूर कहा है कि यदि 25 तारीख तक आपने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धर। मसूरी पुलिस ने देर रात मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट पर छापेमारी की, जहां पर मैगी पॉइंट स्वामियों के खिलाफ अनाधिकृत रूप से लोगों को शराब परोसने का चालान काटे गए। वहीं शराब पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह के नेतृत्व में देर रात को मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर चल रहे मैगी पॉइंट पर छापेमारी की, जहाँ पर खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी, जिस पर मसूरी कोतवाल द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट स्वामियों को चालान किए गए। लगातार हमारे सूचना आती रहती है, लोग एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर जाते हैं और बहुत सारे जाम लगते हैं, झगड़े होते हैं। इससे पहले भी चाकू की एक घटना हुई, तो ये सब इसलिए है कि लोग यहाँ आके पीते हैं। पिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक मर्यादा होनी चाहिए। जो बार हैं वहाँ जाके बैठे, हर जगह ये शराब परोसना ठीक नहीं है। इसलिए मैं लगातार चालान कर रहा हूँ और अभी 4-5 दुकानों में चालान कर दिया और 10-12 जो है पीने वालों कर दिया और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। लक्सर में हुए शराब कांड का खुला राज गांव के झोला छाप डॉक्टर ने परोसी थी जहरीली शराब। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मौके से मिले भारी मात्रा में शराब निर्माण के उपकरण। मैं केवल जो मैंने पुलिस का वर्जन है और जो हमने कहा वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हुई थी जिसमें कई मौतें हुई हैं और प्रथम दृष्टया देखने से यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि ये मृत्युएं शराब के सेवन से हुई हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा था वो ये खड़ा था कि ये शराब के अत्यधिक सेवन से हुई हैं या शराब में किसी प्रकार का
कोई मिलावटी पदार्थ या कोई जहरीला पदार्थ है उसके कारण हुई है, ये इस सवाल पर था। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी सही जो जानकारी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम इसमें हो चुका है। लक्सर के क्षेत्र के आशीर्वाद नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर में मां गंगे ब्लड बैंक नामक संस्था द्वारा एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। आशीर्वाद संस्था के प्रमुख संचालक डॉक्टर अमित राय का कहना है कि हरिद्वार के मां गंगे ब्लड बैंक संस्था द्वारा आयोजित किए जा रहे विशाल रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान महादान के तहत निर्धारित किया गया ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान इंसानी जीवन में महादान कहलाता है। मां गंगे ब्लड बैंक के सहयोग से 11 सितंबर को दिन रविवार को हम दोनों संस्थाओं ने किया है कि जनहित में ब्लड दान का रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर और खानपुर की सभी जनता से हम अपील करते हैं कि 11 सितंबर को दिन रविवार को सुबह 11 बजे हमारी संस्था आशीर्वाद नर्सिंग होम तुरकाजी रोड दापकी में जो नया नर्सिंग होम खुला है उसमें हमने रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी लक्सर और खानपुर के क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि हमारे संस्था में आए और रक्तदान दें और रक्तदान महादान। देहरादून में स्थित कनॉट प्लेस में जो अपने आप में एक सदी का इतिहास लिए हुए है बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। 14 सितंबर को इसे खाली कराने का काम शुरू हो गया है, बहुत जल्द इसे जमींदोज किया जाएगा। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस की तर्ज पर इस इमारत के निर्माण के बाद यहां 150 से अधिक परिवार और 70 के करीब दुकानें हैं। 1930 से 1940 के बीच देहरादून की यह पहली इमारत थी जो 3 मंजिला बनी थी। उस वक्त देहरादून के धनी सेठ और बैंकर्स रहे मन साराराम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर इसे बनवाया था। मन साराराम बॉम्बे के आर्किटेक्ट बुलाकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। इसके निर्माण के लिए सेठ मन साराम ने भारत इंश्योरेंस में 1,25,000 रुपये लोन लिए थे और इसे मुख्य रूप से विभाजन के समय यहां आने वाले लोगों के लिए तैयार किया था जिसमें लोग यहां अपना व्यवसाय कर सकें। लेकिन अब इसे खाली करने और उसके बाद जमींदोज करने की कवायद तेज़ हो गई है। ऐसी के अधिकारी में आए थे कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके फेवर में है और उसमें उसको बिल्डिंग क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्डिंग को खाली करने की एक मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कह आदेश में लिखा हुआ है। इसमें LIC के लोग DM साहब के गए थे, मजिस्ट्रेट नियुक्त उन्होंने कर दिया है। देखिए जी, LIC के द्वारा ये भवन को घिरासू भवन घोषित कराने के लिए जो सुनियोजित तरीके से एक साजिश को रचा गया उसको बताना बहुत अहम। भवन बिल्कुल घिरासू नहीं है। हमारे सामने ये जो बिल्डिंग आप दूसरी देख रहे हैं ये ओल्ड कनॉट प्लेस है, हमारा न्यू कनॉट प्लेस है। ओल्ड कनॉट प्लेस तकरीबन हमारे से 20 साल पहले बना था, वो घिरासू की श्रेणी में नहीं आता। देहरादून के अलावा दिल्ली में कनॉट प्लेस है जो 200 साल पहले बना था, वो घिरासू की श्रेणी में नहीं आता। हमारा भवन श्रेणी में आता है, ये श्रेणी में आने वाली बात नहीं है। ये आप समझिए, इसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि अगर किसी समय कोई भूकंप आता है, कनॉट का मतलब होता है नॉट बनाई जाना। इसमें हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक अलग बिल्डिंग है। नाम संजीव सूद है, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, SS एंटरप्राइजेज आसाम के इन फर्नीचर मेरी है। मैं 1986 से यहाँ पे हूँ और LIC ने मेरे को अलाट करी थी और हमारे साथ प्रॉपर एग्रीमेंट किया था, सब चीज़ किया था और रेंट भी एग्रीड था। नहीं कहते हैं लेकिन देखो, हमसे कंप्रोमाइज़ के क्यों आप खाली कराते जाते हैं? हमने कोई आपका किराया नहीं दिया, या हम डिफॉल्टर हैं, या हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या तब आप कहिए। हम जब आपसे फ्रीली वहाँ रह रहे हैं और बल्कि आप में कुछ नुकसान है, जो भी किराएदार होता है उसको कम से कम 1 महीने का किराया, उसकी मुरम्मत पुताई या कुछ उसमें लगाया जाए।
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूकेएसएससी की ओर से वर्तमान में कराई जा रही भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा की जा रही 5 विभागों की लगभग 7,000 भर्तियों को निरस्त करते हुए अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर जहां एक ओर सत्ताधारी पार्टी इसे बेहतर निर्णय बता रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा की गई भर्तियों में मिल रही गड़बड़ियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इन सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग से कराने के निर्णय लिया है, जो कि सराहनीय है। इस निर्णय से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी। युवाओं का हित का विषय था और ट्रिपल एससी का जो मैटर था उसमें जो जाँच चल रही थी, उसके बाद ये लगभग कैबिनेट में विचार क्या होगा कि नियुक्तियाँ भी न रुके और रोजगार के अवसर बने रहे, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये नियुक्ति का जो अवसर दिया है उनके माध्यम परीक्षण कराए जाएंगे, ये स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के युवाओं को विश्वास जीतने का काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को इस विषय पर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियुक्तियों के लिए कोई ना कोई एजेंसी आवश्यक होती है। रुड़की में पूर्व मंत्री और बीएसपी प्रदेश प्रभारी दयाचंद दिनकर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को बाधित करना चाहती है, बीजेपी में दम नहीं है तो वो बीएसपी से मुकाबला कर सके। जिले में वो मान्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही थी कि हरिद्वार जिले में चुनाव हो, कई लोगों ने यहाँ रिट लगाई और रिट लगाने के बाद ये चुनाव हुए हैं। स्थितियाँ ये हैं कि जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो ऊपर सरकार में जाकर रिपोर्ट देते हैं, जिनकी वजह से हरिद्वार में 8 सीट से 3 रह गई हैं, उन लोगों को उनकी स्थिति सीट जिताने की तो नहीं है। घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज बहुजन समाज पार्टी से घबराए हुए हैं वो लोग, ये सोच रहे हैं किसी प्रकार से भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको परेशान करने का काम करें, हमारे पदाधिकारी जो चुनाव में लगे हुए हैं उनको परेशान करने का काम करें। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं है, बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुख्य कारण था ताकि आप लोगों के माध्यम से हम माननीय जो यहाँ पर चुनाव आयोग हैं उनके पास ये बात पहुँचाने का काम करेंगे कि ये चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है फेयर हो, इसमें किसी भी प्रकार का जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, किसी भी प्रकार का इस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का वो लोग काम ना करें। वहीं एनएच 534 से सफर कर रहे लोगों को कोटद्वार में लग रहे जाम से बचाने के लिए बाईपास रोड बना रही है, जिसमें यह बाईपास एनएच कोविड कोडिया चेक से शुरू होते हुए बिशनपुर लालापानी और सिद्धबली के पास एनएच पर जाकर मिलेगा। यह बाईपास एनएच जहां कोटद्वार के विकास को गति प्रदान करेगा, लेकिन इस सड़क के बीच में लालापानी बिशनपुर के लगभग 70 गरीब परिवारों की जमीन और मकान आ रहे हैं, जिसे हटाने के लिए एनएच द्वारा ग्रामीणों को समय दिया गया। एनएच के इस फरमान से ग्रामीण लाचार है, प्रभावित हो रहे गरीब परिवारों के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी समस्या विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया और कहा कि यह सड़क और पुल बनाने से उनके मकान वाली जमीन बर्बाद हो जाएगी। ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पुल और सड़क को घर एवं जमीन को छोड़कर बनाने की मांग की है। मुझे इस बात के बारे में अभी जानकारी हुई है कि कुछ परिवार हैं उसमें, तो मैंने उनसे कहा अपने कागजात लाएं, हमें एनएच से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट अगर बदला जा सकता है तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वो चेंज कर। मुझे इस बात 70 से रह रहे हैं, हमको कम से कम आप मतलब 52 साल हो गए हैं, हमारी जमीन हमारे पास खाता खतूनी है, पट्टे हैं, बोले सरकारी जमीन, तो पट्टे भी सरकार ने दिए, जमीन भी सरकार ने दिए, पट्टे हमने अपना आप तो बनाए नहीं हो। और अब जो रोड आ रहे तो हमारे घर से पीछे कैसरीन भूमि रोड के लिए बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से भी बचत है और वो पूरे गांव को तोड़ते हुए आ रहे हैं। हमें ऐसा चाह रहे हैं रोड भी बने और हमारा आवाज़ भी बच जाए। नेशनल हाईवे जो बाईपास नेशनल हाईवे
नजाबाद रोड से होते हुए लालपानी होते हुए जो NH में हमारे जो पुराना NH में उसमें मिलना है। इसमें हमारे क्षेत्र के कई लोगों के गरीब लोगों के घर जा रहे हैं, जबकि उस पर नदी के किनारे भूमि है, तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि NH बने, थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देंगे तो उससे गरीब लोगों के आवास बच जाएंगे। ये कहना है कि ताकि हमारी यहाँ जो लालपानी बिशनपुर में जो हाईवे रोड बनने आ रही है तो गांव की बस्ती में आ रही है, तो उस मतलब उस हम ये चाह रहे हैं कि उस रोड को नदी के साइड में लिया जाए ताकि लोगों के घर बच जाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ों की संपत्ति पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द बुलडोजर चलेगा। जी हां, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ऐसी हजार करोड़ की संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जा है, जिसे वक्फ बोर्ड मुक्त नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते दिखाई देगा। वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक प्रस्ताव में सर्वे समिति से अवैध कब्जे के छुड़वाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सख्त रुख के बाद से ही कई लोग उन्हें इसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि अब यह कार्रवाई होकर रहेगी और राज्य में हजारों करोड़ों की संपत्ति को बोर्ड छुड़वा कर रहेगा। वक्फ बोर्ड की पहली बैठक 15 तारीख को आहूत की गई है और मुझे लगता है कि हमने उसमें प्रस्ताव पहले बुलडोज़र हम लोग खरीदेंगे, उसका प्रस्ताव उसमें आएगा और उस पर चर्चा होगी। हम ये मानते हैं कि हमें जो ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े हैं, जो लोगों ने उसे गलत तरीके से वक्फ माफियाओं ने कब्ज़ा हुआ, उनको कब्ज़े से मुक्त कराएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ कि गलती से भी कोई आएगा तो मैं बंद करा दूँगा। किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जो ज़मीनें जिन पे लोग कब्जा करके अवैध रूप से बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कृपया करके उन ज़मीनों को तुरंत खाली कर दें, नहीं तो धाकड़धामी का बुलडोजर आपके ऊपर चलने के लिए पूरी तरह से। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में दोस्त के बर्थडे पर हार्श फायरिंग का वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर स्टेटस में लगाना युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार के बोनट में बर्थडे केक रखा है और एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जबकि दो युवक पास में खड़े हैं। बर्थडे बॉय के पीछे खड़ा युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक के बाद एक चार बार फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरा युवक स्प्रे डाल रहा है। मुखबिर के अनुसार फायरिंग करने वाला युवक दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेतान नगर का रहने वाला है। इसमें एक ये फायरिंग का मामला अभी प्रकाश में आया था रुद्रपुर थाना क्षेत्र में, तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है दोषी के विरुद्ध और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपके चैनल से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो वेपन इशू किए जाते हैं वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत आपकी सुरक्षा के लिए हैं, और उसका किसी भी तरह से आप अगर गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन करेंगे और हर्ष फायरिंग करेंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? फिलहाल इसमें एक ही आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है, उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है आगे उसमें जो भी अन्य लोग भी यदि प्रकाश में आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। इसमें एक ही फायरिंग रुद्रपुर में पेट्रोलिंग पंप के सेल्समैन पर तमंचा तानकर धक्का मुक्की और मारपीट करने के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक तमंचा, 200 रुपए का फटा नोट बरामद हुआ है जिसको लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी सीज करने के साथ साथ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का चालान भी किया है। साथ में उनके ऊपर तमंचा तान दिया और पीछे से वहाँ पर एक क्लीनर खड़े थे एक ड्राइवर के, उन्होंने उनको रोका नहीं तो ये किसी भी दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे सकते थे। तो ये घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें हम लोगों ने संज्ञान लिया, अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही कम समय में 24 घंटे से पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे वो घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया। जो इन्होंने उसमें नोट यूज़ किया था उनको उलझाने के लिए वो नोट हमने बरामद किया है और साथ में इनकी बाइक को सीज किया गया है और इन लोगों से अभी जानकारी की जा रही है कि इनका आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और घटना के कारणों का भी हम लोग पता लगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए अलर्ट है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। 12 सितंबर को बागेश्वर और देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अलर्ट है। 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश का विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 14 और 15 सितंबर के लिए उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।
तो 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अलर्ट जारी हुआ है। तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। 14 और 15 सितंबर को बारिश को लेकर विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट 14 और 15 सितंबर के लिए जारी हुआ है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो आफत की बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।